दोस्तों, अभी अभी खबर मिली है कि विनोद खन्ना साहब हमारे बीच नहीं रहे। ही वॉज 70। पेशावर से आया ये नायक पहले खलनायक बना फिल्मों में। गुलजार साहब ने इन्हें मेरे अपने में नायक का किरदार दिया, जिसके बाद इन्होंने पलट कर नहीं देखा। कौन भूल सकता है बिग बी के साथ इनकी जोड़ी, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में परवरिश। जब कांटे की टक्कर चल रही थी नंबर एक की पोजीशन के लिए, खन्ना साहब ओशो के आश्रम चले गए महेश भट्ट जी के साथ ही 5 साल के लिए लंदन। वापस आए 1987 में डिंपल कपाड़िया के साथ इंसाफ और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ सत्यमेव जयते जैसी फिल्में की वापसी की फिर छाए। हाल ही में बादशाह खान के साथ दिलवाले में उनके पिता का रोल किया, दबंग 1, Double 2 दोनों में भाईजान के पिता का रोल किया। फ्यू डेज बैक इट वॉज रिपोर्टेड दैट ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्लैडर कैंसर, जिसको उनके बेटे राहुल खन्ना ने झुठला कर कहा कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम बाउट्स ऑफ डिहाइड्रेशन। रिलायंस के ही अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हिज सेकेंड वाइफ कविता विनोद खन्ना टू कन्फर्म्ड दैट हिज हेल्थ इज स्टेबल। धोनी को कौन टाल सकता है दोस्तों, चले गए हमें छोड़ के विनोद खन्ना साहब। चाहे वो बॉलीवुड हो या पॉलिटिक्स हो, बीजेपी की तरफ से सीट हारे नहीं थे कभी अपने। गुरदासपुर से अभी भी एमपी थे। सैड न्यूज फॉर बॉलीवुड, सैड न्यूज फॉर ह्यूमैनिटी। टफ इंडिविजुअल, उनके बेटे अक्षय खन्ना, राहुल खन्ना के अलावा एक और है कविता जी से, जो जल्द ही बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाले हैं। मेरी अब तक की उनकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है अमर अकबर एंथनी। मनमोहन देसाई का मैजिक, ऋषि कपूर, बिग बी एंड विनोद खन्ना जी, वड़ा मूवी। अमित दत्ता विल ऑलवेज कीप यू इन हिज हार्ट, खन्ना साहब। बस दोस्तों, आज मुझे नहीं, आज विनोद खन्ना जी को दुआओं में याद आ